ब्रज जनरञ्जना यशोदानन्दना ब्रज जनरञ्जना यमुना तीर वनचारे यमुना तीर वनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारे जय राधा माधव कुंज बिहारे मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी मेरो राधा गिरिधारी गिरिधारी श्याम मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरिधारी मेरो राधा रमण गिरिधारी मेरो गिरिधारी श्याम बनवारी मेरो राधा मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गाइए गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गाइए गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद
भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण 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 हरे गाइए कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे आइए हरे भज गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद इंद गोपाला भज मुरली मनोहर भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद भज मुरली मनोहर भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज भज मुरली मनोहर भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज हरे कृष्णा कृष्ण
Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare, Na Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar Radhe, Jai Shri Radha Shyam Sundar, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Raghupati Raghav Raja Ram,
पतित पावन सीतारा। गाइए राजा राम राजा राम पतित पावन सीता राम राजा राम पतित पावन हे राजा राम राजा राम पतित पावन सीता राजा राम पतित बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीतारा राजा राम पतित पावन सीता हे रघुपति श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद आराध्यो भगवान ब्रजेशतनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रज बधो वर्गेणया कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमापुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मत्मिदं तत्रादरो नः पर श्री चैतन्य महाप्रभु मत्मिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषित करा नवनीर दाभा
पीतांबर दरुण बिम बपल दरोष्ठा पूरणेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्व अहम न जाने करारविंदे नपदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्स्वा अमृत में देव गोविंद दामो धर्माधवे ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासु ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 1 आप सबके पास है। मेरे पीछे इसे बोलने का प्रयास करें। श्री शुक उवाच बोलिए एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधे एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ
निर्ममंथ स्वयं दधे एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधे। इस श्लोक का शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जोर से बोलिए, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, बोलिए, वेरी गुड। एकदा, वंस अपॉन अ टाइम, एक दिन गृहदासीषु, जब घर की नौकरानियां काम में लग गई, यशोदा, माता यशोदा, नंदगेहिनी, नंद महाराज की पत्नी, कर्म अंतर, अन्य कामनाओं में नियुक्तासु, लगी हुई, निर्ममंथ, मथने लगी, स्वयं स्वयं खुद, दधि दही, यानी जो। अनुवाद और तात्पर्य, कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। इस श्लोक को समझाते हुए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक दिन जब माता यशोदा ने देखा कि सारी नौकरानियां अन्य घरेलू कामकाज में व्यस्त है, तो वे स्वयं ही दही मथने लगी और दही मथते समय भगवान की लीलाओं का गान करने लगी। नमो विष्णु पादाय, बोलिए, कृष्ण प्रेष्ठाय भो श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशता जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय गोपी चित चोर प्रभो,
जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। परम सौभाग्य है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन न्यूयॉर्क के द्वारा आयोजित, ये स्लो होगा तो बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए कुछ देर। परम सौभाग्य है इस्कॉन न्यूयॉर्क के द्वारा इस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है। पवित्र मास चल रहा है, साल के 12 महीनों में चतुर्मास को पवित्र मास माना गया है। केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, अन्य धर्मों में भी ये चतुर्मास, ये 4 महीने बड़े पवित्र माने गए हैं। और इन 4 महीनों में भी वर्तमान ये जो महीना चल रहा है कार्तिक मास, ये अत्यंत पवित्र है, ये सबसे पवित्र है। शायद आप लोग जानते होंगे साल के 12 महीने होते हैं, उन 12 महीनों के अधिष्ठाता देवता होते हैं। इस कार्तिक महीने के अधिष्ठाता देवता साक्षात स्वयं भगवान कृष्ण है, गोविंद है। इस कार्तिक महीने को इसलिए पवित्र माना गया है क्योंकि इस महीने में भगवान कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं संपन्न हुई हैं। अन्य 12 महीनों में सबसे अधिक भगवान कृष्ण की लीला इस कार्तिक महीने में हुई है। इसी कार्तिक महीने में गोपाष्टमी के दिन है भगवान कृष्ण ने गाय को चराना शुरू किया था। इसी कार्तिक महीने में दिवाली के दूसरे दिन है भगवान कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को उठाया था। इसी कार्तिक महीने में राधा कुंड का प्राकट्य हुआ था। इसी कार्तिक महीने में कालिया दमन आदि अनेकों लीला भगवान कृष्ण ने संपन्न की और उन समस्त लीलाओं में सबसे श्रेष्ठ लीला इस कार्तिक महीने में जो संपन्न हुई, बिल्कुल दिवाली के दिन है भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत सुंदर माधुर्य मंडित लीला हुई, जिस लीला का नाम है दामोदर लीला। इस दामोदर लीला को
भक्त समाज बहुत पसंद करता है। बड़े बड़े आचार्य इस दामोदर लीला को गाते हुए थकते नहीं हैं। मैंने सुना है कि अन्य अन्य लीलाओं को तो महात्मा गण आचार्य गण संक्षिप्त में वर्णन कर देते हैं, परंतु दामोदर लीला को अनेक समय तक मंथन करते रहते हैं। तो ऐसी भगवान श्री कृष्ण की दामोदर लीला, उखल बंधन लीला, जो परम पवित्र है, इस आने वाले दिनों में यहाँ पर जो कथा का आयोजन हुआ है, इस कथा में हम दामोदर लीला की कथा सुनेंगे। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है, एक दिन द्वारिका नगरी में भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां हैं। उनमें से एक रानी जिसका नाम है सत्यभामा, एक दिन सत्यभामा ने कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, प्रभु आपको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी योग करते हैं, ध्यानी लोग ध्यान करते हैं, तपस्वी लोग तपस्या करते हैं, अनेक अनेक जतन करने के बाद भी आपकी प्राप्ति करना बहुत मुश्किल है। प्रभु मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा सुकृत किया था, मैंने ऐसा कौन सा सुंदर कर्म पुण्य किया था जिससे आज मुझे आपकी पत्नी बनने का सौभाग्य मिला। ये कौन कह रहा है? सत्यभामा। किसको? भगवान कृष्ण को। और प्रमाण क्या है? पद्म पुराण। पद्म पुराण में वेदव्यास मुनि ने ऐसा लिखा है। जब सत्यभामा ने पूछा कि मुझे आपकी पत्नी बनने का सौभाग्य मिला, इसका कारण क्या है, तब भगवान कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा कि सत्यभामा, सत्यभामा तुम पूर्व जन्म में एक साधारण सी महिला थी, परंतु उस जन्म में तुमने एक बहुत सुंदर काम किया था। वो कार्य क्या था? बोले कार्तिक महीने में तुमने पूर्व जन्म में कार्तिक महीने में पूरे महीने तक इस दामोदर लीला का पाठ किया था। इस दामोदर लीला को गाते हुए, दामोदर अष्टकम गाते हुए भगवान दामोदर को दीप अर्पण किया था, और इसी के फल स्वरूप पूर्व जन्म में कार्तिक महीने में प्रतिदिन दामोदर अष्टकम का गान करते हुए, इस दामोदर लीला का स्मरण करते हुए मुझे दीप अर्पण किया था, इसलिए सत्यभामा तुम्हें इस जन्म में मेरी पत्नी बनने का सौभाग्य मिला। हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसी कथा जो भगवान के साथ संबंध जुड़ा दे, फिर चाहे पत्नी का हो, सखा का हो, वात्सल्य हो, माधुर्य हो। तो ये दामोदर लीला भगवान के साथ संबंध जुड़ा देती है। ऐसी पवित्र लीला कथा हम यहाँ पर श्रवण करेंगे। कथा प्रारंभ करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ चैतन्य आनंद प्रभु, तुम्हारा नाम चैतन्य आनंद है, चैतन्य आनंद प्रभु का। पिछले कुछ दिनों से मुझे फॉलोअप कर रहे थे और तत्कालीन यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन किए। उनके पास समय बहुत कम था, लेकिन फिर भी एक
सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय कार्तिक महीना आ रहा है, भक्तों का पोषण होगा, भक्ति बढ़ेगी, इस भाव से तत्कालीन इस भागवत कथा का आयोजन किया। मैं जानता हूं कि चैतन्य आनंद प्रभु चिंता में तो होंगे कि प्रभु कम लोग आए हैं, आप जब कथा करते हैं तो हजारों लोग बैठे होते हैं, भारत में जब कथा करता हूं ना तो इतने लोग स्टेज पर होते हैं, म्यूजिक बजाना और सेवा में लगे रहते हैं, परंतु चिंता मत करें, हम तो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के भक्त है, हम उस परंपरा के भक्त हैं जहां गोदावरी के तट पर चैतन्य महाप्रभु वक्ता थे और केवल एक ही श्रोता थे, राय रामानंद महाप्रभु तो, और गंगा के तट पर उन्होंने कथा कही एक महीने तक लगातार, सनातन गोस्वामी को एक ही श्रोता था। तीर्थराज प्रयाग में 10 दिन तक चैतन्य महाप्रभु ने भगवत कथा सुनाई, केवल एक ही श्रोता श्री रूप गोस्वामी। हम उस परंपरा से हैं जहां पर एक ही श्रोता हो तो भी कथा कही जाती है, और मैं यदि कहूं तो एक भी श्रोता न हो ना फिर भी कथा कही जाती है, क्योंकि जहां पर कृष्ण कथा होती है, राम कथा होती है, वहां पर और कोई आए या ना आए, भगवान तो सबसे पहले आकर बैठ जाते हैं, भगवान तो सबसे पहले। और मैं तो अक्सर कहता हूं कि मैं जो कथा करता हूं इसका प्रथम वक्ता मैं स्वयं हूं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, स्वांतः सुखाय, सर्वप्रथम श्रोता मैं हूं और दूसरे श्रोता मेरे कृष्ण है, मेरे राम है, मेरे हनुमान है, ये मेरे दूसरे श्रोता है। और तीसरे श्रोताओं का यदि भाग्य है तो आकर सुनते हैं, नहीं तो इस कलयुग में तो दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य भरा पड़ा है। जानते हैं इतनी सुंदर कथा का आयोजन, शुद्ध भागवत, शुद्ध कथा, ऐसी कथाओं में जो श्रवण करने हेतु आते हैं, शास्त्र में उसे मधुकर कहा गया, उसे भंवरा कहा गया, आपने देखा होगा, भंवरा बहुत दूर होता है परंतु दूर से सरोवर में जहां पर कमल खिला होता है, उस कमल की पराग में इतना आसक्त होता है कि दूर से भंवरा आता है और उस कमल पर बैठता है। संध्या का समय है, कमल बंद होने वाला है, भंवरा जानता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी उस पराग रज को नहीं छोड़ पाता है, कमल में इतना आसक्त होता है। तो जो कथा श्रवण करने हेतु आते हैं, दूर दूर से आते हैं, उस भंवरे के समान है। और यह भी देखा गया है कि कभी कभी दूर से भंवरे आते हैं, कमल पर बैठते हैं, उनकी सुगंध लेते हैं, और कभी कभी उसी कमल के नीचे जल में जहां पर कमल खड़ा है वहां पर मेंढक बैठे होते हैं, लेकिन कमल का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो जो लोग भगवत कथा सुनने हेतु दूर दूर से आते हैं, आचार्य चरण ने उसे भंवरा कहा, और जो निकट रहते हुए भी भगवत कथा नहीं सुन पाते उसे आचार्यों ने मेंढक कहा। वो मेंढक है क्या, मामा बहु मजा आई तुमने सोचा होगा, हाँ मेरा वो पड़ोसी मेंढक है, हम तो नहीं कह पाते हैं लेकिन इन्होंने कह दिया, वो मेंढक है। हमारे परम गुरु श्रील प्रभुपाद उपदेशामृत के प्रारंभ में ऐसा लिखते हैं,
मेंढक जो होता है बरसात की ऋतु में मेंढक टर 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 ऐसे आवाज करता है। तुम्हारा अमेरिका में डेढ़ का है मेंढक नहीं है, है। खैर भारत में तो इस मौसम में बरसात की मौसम में मेंढक होते हैं और मेंढक की आवाजें आती रहती हैं खास करके खेतों में। मेंढक का काल होता है सांप। सांप मेंढक को देखते ही खा जाता है। सांप में ताकत नहीं है कि वह मेंढक को पकड़ पाए। मेंढक बहुत दूर होता है। सांप में ताकत नहीं कि मेंढक को देख पाए, लेकिन मेंढक खुद ही टर टर करके सांप को बुलाता है कि हे काल आओ और मुझे खाओ। ठीक उसी प्रकार है। इतना सुंदर मनुष्य जीवन मिला है, भगवान ने इतने सुंदर कान दिए, इतने सुंदर आंखें दी, हाथ पांव सब कुछ ठीक दिया, इतनी सुंदर वाणी दी, लेकिन अपनी वाणी से जो भगवत कथा का गान नहीं करता और मात्र संसारिक चर्चाएं करता रहता है, आचार्यों ने उसे मेंढक कहा है। वो मेंढक है। तो परम सौभाग्य है कि चलो अमेरिका में मेंढक नहीं परंतु यहां पर मधुकर बैठे हैं, भौरे बैठे हैं जो भागवत को सुनने के लिए आए हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूं चैतन्य आनंद प्रभु को, इस्कॉन न्यूयॉर्क को, और कथा शुरू करूं और मेरे आदरणीय भक्त अवतार प्रभु को याद न करूं तब तो अपराध हो जाए। इस अमेरिका में, न्यूयॉर्क में 2012 में हमारे वरिष्ठ भक्त अवतार प्रभु की इच्छा थी कि हम यहाँ पर आए, भागवत कथा करें। उन्होंने बहुत मेहनत की, परिश्रम किया, आयोजन भी कर दिया, यहाँ तक हॉल भी बुक करा दिया, परंतु संजोग ऐसा हुआ कि हम नहीं आ पाए और भक्त अवतार प्रभु की इच्छा अधूरी रह गई। लेकिन आज उनके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा दृष्टि से हमारा यहाँ पर आना हुआ। तो इस कथा के प्रारंभ में मैं भक्त अवतार प्रभु का भी स्मरण करता हूँ, वंदन करता हूँ, साथ ही साथ आप समस्त भक्तों को मैं सादर निमंत्रित करता हूँ। आप कहोगे हम तो आ गए हैं, अब निमंत्रण किस बात का? आप तो आ गए हैं लेकिन आपका मन आया है या नहीं ये तो परमात्मा जानता है। तो आपके अंदर जो आपका मन बैठा है उस मन को मैं निमंत्रित कर रहा हूं कि संसार की यहां वहां की वस्तुओं से मन को निरोध करके, मन को हटाकर अपने मन को भागवत में लगाने का प्रयास करें। भागवत तो स्वाभाविक, भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसमें स्वाभाविक अपना मन भगवान में लग जाता है। बस थोड़ा सा प्रयास करें और इतना ही प्रयास के नींद न आए, बस फिर गारंटी मेरी है। नींद से बच जाइए, गारंटी मेरी है कि आपका मन पूर्ण रूप से भगवान में लग जाएगा।
ये माता जी यहाँ पर आई इसलिए मुझे याद आ गया, मैं आपको स्मरण करा दूं। श्रील प्रभुपाद आज से 50 वर्ष पूर्व भारत से अमेरिका आए, अपने जल दूता मालवाहक जहाज में एक महीना बैठकर आए, आप सब जानते हैं। और उस समय प्रभुपाद के हाथ में एक अटैची थी, उसमें कुछ कपड़े थे, एक जोड़ी करताल था, और उन्होंने भागवत का ट्रांसलेशन किया था और दिल्ली में उसे प्रिंट करवा के वो लेकर आ रहे थे। तो हमारा यह भी सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद 50 वर्ष पूर्व भारत से पहली बार अमेरिका आए, अपने हाथों से उन्होंने जो भागवत लिखा, भगवत कृपा से वही भागवत आज हमारे बीच में है, जो हमारे पास है, हमारे साथ है, जिनमें श्रील प्रभुपाद जी के हैंडराइटिंग, प्रभुपाद जी ने नोट्स बनाई हुई, मानो ये श्रील प्रभुपाद का एक आशीर्वाद, प्रभुपाद की एक आज्ञा है कि इस भागवत को इसी प्रकार से संसार में वितरित किया जाए। देखिए, भजन में आने के लिए, भक्ति में प्रवेश करने के लिए दुनिया में अनेकों साधन है। फिर से कहूं, भक्ति में प्रवेश करने के लिए दुनिया में अनेकों सेमिनार, अनेकों व्यवस्था, अनेकों साधन है, लेकिन कमी इस बात की है। भक्ति में आना तो आसान है, अनेक उपायों से, अनेक साधनों से भक्ति में आया जा सकता है, लेकिन भक्ति में टिकना ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल है। और भक्ति में टिकने के लिए या भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन यदि कोई है तो वह है भागवत कथा का श्रवण। और इसीलिए दशाश्वमेघ घाट पर परम करुणा वरुणालय कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा श्रीपाद रूप गोस्वामी को, माली हैया करे सही बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करिए सिंचन। जैसे किसी पौधे को उगाने के लिए, बढ़ाने के लिए उसमें रोज सिंचन करना होगा, रोज जल डालना होगा, ठीक उसी प्रकार ये भक्ति रूपी बीज हमको मिला है, परंतु इस बीज को बढ़ाने के लिए, टिकाने के लिए, प्रोग्रेस कराने के लिए हमें सिंचन करना होगा। और वह सिंचन क्या है, भक्ति में सिंचन क्या है, तो कहते हैं श्रवण कीर्तन। श्रवण और कीर्तन दोनों में श्रवण पहले है, भागवत का श्रवण मुख्य है, जिससे हम भक्ति में टिक सकते हैं या हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। मनुष्य प्रभुपाद की ये इच्छा थी कि इस प्रकार से गृहस्थ गण आपस में बैठकर भागवत का श्रवण करें। तो आज इस कार्तिक महीने में अमेरिका की इस धरती पर, इस हनुमान मंदिर में इस्कॉन न्यूयॉर्क के द्वारा आयोजित भागवत शुरू करने जा रहे हैं। 7 दिन तक हम भगवान श्री कृष्ण की एक मधुर सुंदर लीला दामोदर लीला के ऊपर कथा सुनेंगे। 5 दिन होगा, 7 सत्र होंगे। और उस दामोदर लीला का आधार श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंध 9वां अध्याय होगा। परंतु श्रीमद् भागवत को हम चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे।
आपको ऐसा लग सकता है कि आप जो भागवत कथा कह रहे हैं और हमने कहीं सुनी है, ये दोनों समान है। मैं मानता हूं कि कथा की स्टोरी जो है, लीला जो है, ये समान हो सकती है, लेकिन इस कथा के पीछे जो फिलोसॉफी है, जो दर्शन है, ये यहां पर कुछ विशेष है। क्योंकि यहां पर हम श्रीमद् भागवत को, भागवत की इस लीला को चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि से, महाप्रभु के द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। और महाप्रभु कौन है? श्रीमती राधा रानी के ही स्वरूप भगवान कृष्ण, राधा का स्वरूप लेकर आए, राधा कृष्ण का मिलित स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसे महाप्रभु ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में आदि लीला चतुर्थ अध्याय 21 और 24 नंबर का प्यार, हम इन सातों सत्र में इन दो प्यारों को रोज गाएंगे। बहुत सुंदर भाव से आप गा सकते हैं। और इन प्यारों को ध्यान में रखते हुए, इस दर्शन, इस फिलोसॉफी को ध्यान में रखते हुए भगवान कृष्ण की बाल लीला दामोदर लीला को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सब, शुरू शुरू में कठिन लगेगा, परंतु धीरे धीरे फिर आपको याद हो जाएगा। मेरे पीछे, मेरे साथ नहीं है, मेरे पीछे गाने का प्रयास करें। पहले मैं गाऊंगा एक पंक्ति, फिर आप गाएंगे, फिर मैं गाऊंगा, फिर आप गाएंगे। मोर, और हाँ, आपके पेपर में है, आप देख सकते हैं, फर्स्ट पेज पर है। मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राण पति, मोर पुत्र गाइए, मोर प्राण, इनको दीजिए, मोर सु मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राण पति, पुत्र मोर सखा मोर प्राण, एई बावे करे जेई मोर शुद्ध भक्ति, एई बावे करे जेई, एई बावे करे जेई मोर शुद्ध भक्ति, करे जेई माता मोरे पुत्र बावे करे न बंदन, गाइए भाव से, पुत्र भावे करे न बंद, माता मोरे पुत्र भावे करे न बंदन, पुत्र भावे अति हीन ज्ञाने करे लालन पालन, न ज्ञाने करे लालन आ अति हीन ज्ञान करे लालन पालन,
ज्ञान करे लालन मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राण पति मोर सखा मोर प्राण एही भावे करे जे मोर शुद्ध भक्ति ये जो पेपर हैं आप अपने पास ही रखिए क्योंकि इसी के माध्यम से हम कथा सुनेंगे और कथा समाप्त होने के बाद इसे आप यहीं पर छोड़ कर जाइए ताकि रोज आपको ये मिल सके। ये जो दो पद है ये बंगला भाषा में है। कलिपावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कृष्ण के भगवान के भाव में इस प्यार का या इस पद का उच्चारण किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण मानो इस बात को कहते हैं। भगवान कहते हैं कि जब कोई मुझे भगवान समझता है, कृष्ण कहते हैं कि जब कोई मुझे भगवान समझता है या जब कोई मुझे भगवान कह के पुकारता है तो मुझे बहुत अधिक आनंद नहीं आता है। मुझे कोई भगवान कहता है तो मुझे कोई बहुत अधिक आनंद नहीं आता है। तो मानो भगवान कृष्ण को कहा जाए कि आपको अधिक आनंद किस में आता है, तब वे उत्तर देते हुए कहते हैं कि मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राण पति। भगवान बनना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है जितना मुझे पुत्र बनना अच्छा लगता है। भगवान बनना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता जितना मुझे किसी मेरे भक्त का सखा बनना अच्छा लगता है। भगवान बनने में मुझे उतना आनंद नहीं है जितना आनंद किसी गोपी का प्रिय प्रियतम प्राण प्रिय बनने में मिलता है। कुल मिलाकर स्वयं भगवान ने ये इजहार किया, स्वयं भगवान ने ये कहा। उन्हें भगवान मानो अच्छी बात है लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि उनके साथ संबंध जोड़े, उन्हें अपना पति समझे, उन्हें अपना सखा समझे या उन्हें अपना पुत्र समझे। भगवान स्वयं कृष्ण कहते हैं कि यही भावे करे सही। यदि कोई व्यक्ति मुझे पुत्र समझकर, मुझे सखा समझकर या फिर मुझे अपना पति समझकर जो भक्ति करता है, जो भजन करता है, सही शुद्ध भक्ति ऐसा लिखा है कि वो मेरी शुद्ध भक्ति है। अर्थात जब तक हम भगवान से संबंध नहीं जोड़ लेते तब तक हम जो भी करते हैं वो भक्ति है, और ईश्वर से संबंध जुड़ जाने के बाद हम जो उनसे प्रेम करें, उनकी सेवा करें, वो भक्ति नहीं, वो शुद्ध भक्ति है, वो प्योर डिवोशन है। इसलिए भगवान के साथ संबंध जोड़े। जैसे मान लो यहां पर कोई आपका मित्र आए और उनको पूछा जाए कि ये कौन है, तो वो कहे कि ये मनुष्य है। आप अपने घर पर जाओ और
आपके घर पर कोई बैठा है, आपकी पत्नी को कोई पूछे कि ये कौन आया, तो आपकी पत्नी कहे कि ये मनुष्य आया है। अब मुझे बताइए कि आपकी पत्नी आपको मनुष्य कहेगी तो अच्छा लगेगा कि अपने प्राण प्रिय या प्रियतम कहेगी तो अच्छा लगेगा? हालांकि हम मनुष्य है, हालांकि कृष्ण भगवान है, हम मनुष्य है, लेकिन कोई हमें मनुष्य कहकर पुकारे उसमें इतना आनंद नहीं है जितना आनंद कोई हमें सखा कहे या प्राण प्रिय कहे या प्रिय पुत्र कहे। ठीक उसी प्रकार कृष्ण को कोई भगवान कहे उसमें उतना आनंद नहीं है जितना आनंद उनको पुत्र मानने से, प्रियतम मानने से या सखा मानने से है। भगवान कहते हैं कि ये मेरी कामना है, कृष्ण कहते हैं कि ये मेरी इच्छा है। क्या इच्छा है? माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन। इस संसार में कोई कोई मेरी मां बने, भगवान चाहते हैं कि कोई मेरी मां बने और मां बनकर जैसे एक मां अपने छोटे से बालक को रोज सुबह जगाती है, स्नान कराती है, खिलाती है, पिलाती है, उनका ध्यान रखती है, भगवान चाहते हैं कि कोई मेरी माँ बने और मुझे पुत्र समझे और मुझे उसी प्रकार रोज सुबह जगाए, स्नान कराए, खिलाए, पिलाए, मेरा ध्यान रखे। कभी कभी हम लोग भगवान को मात्र पत्थर की मूर्ति समझ बैठते हैं, परंतु भगवान कहना चाहते हैं कि मैं कोई पत्थर की मूर्ति नहीं, मैं एक संवेदनशील व्यक्ति हूं, मेरे अंदर अनेकों प्रकार की संवेदनाएं हैं, मैं भी चाहता हूं कोई मुझे प्रेम करे। भगवान की ओर से भगवान चाहते हैं कि यह मानव समाज मुझसे प्रेम करे, मेरे साथ संबंध जोड़े, खास कोई माँ बनकर जैसे माँ यशोदा की तरह, नंद बाबा की तरह वात्सल्य भाव रखते हुए मेरा लालन करे, मेरी सेवा करे। भगवान ने ये मांगा है और यदि भगवान की इस मांग को पूरी करना है, यदि वास्तव में हमें भगवान से संबंध जोड़ना है, खास करके वात्सल्य संबंध, तो ये जो हम कथा सुनने जा रहे हैं यह दामोदर लीला अत्यंत श्रेष्ठ कथा है। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के नवम अध्याय में भगवान की ये सुंदर दामोदर लीला कथा का वर्णन हुआ है। श्रीमद् भागवत के इस दशम स्कंद में, सॉरी दशम स्कंद के नवम अध्याय में श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने एक श्लोक में बता दिया कि इस नवम अध्याय में जो हम सात दिन तक सात सत्र में कथा सुनेंगे उसमें क्या क्या वर्णन होगा संक्षिप्त में। नवमे पय उद्रिक्तो गोप्यथ तत्कृतम विलोक्य बांडभंगादि कृष्ण दामना बबंधतम। श्रीपाद श्रीधर स्वामी भावार्थ दीपिका में ऐसा लिखते हैं कि इस दशम स्कंद के नवम अध्याय में नवमे पय उद्रिक्तो, यशोदा दूध गर्म करने के लिए चूल्हे पर रखेगी, गोप्य अथ तत् कृतम, और अचानक वह दूध उबलेगा और उस दूध को बचाने के लिए यशोदा जाएगी कृष्ण को छोड़कर, तो कृष्ण को क्रोध होगा,
और कृष्ण के द्वारा मटका फूटेगा, माँ यशोदा आएगी और कृष्ण के द्वारा इस प्रकार से मटका फूटा हुआ देखकर माँ यशोदा कृष्ण को उखल के साथ बांध देगी। संक्षिप्त में इसे हम विस्तार से सुनेंगे, परंतु कथा प्रारंभ करने से पहले हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान यह बाल लीला या यह दामोदर लीला क्यों करते हैं। दाम का अर्थ होता है रस्सी, उदर माने पेट, जिसके उदर पर दाम लगी हुई है उसे दामोदर कहते हैं। दाम प्लस उदर, दामोदर। तो रस्सी से बंधने की लीला, यशोदा के हाथों से बंधने की लीला भगवान कृष्ण क्यों करते हैं, ये दामोदर लीला क्यों। आज जब कथा करनी थी तो वैसे बहुत बार इस लीला का मैं अध्ययन कर चुका हूं, लेकिन आज मैंने सोचा कि कुछ विशेष आपके बीच में कोई पॉइंट रखूं। यह दामोदर लीला क्यों, दामोदर मास चल रहा है, दिवाली के दिन दामोदर लीला हुई, यदि मन में प्रश्न हो कि भगवान कृष्ण ने यह दामोदर लीला क्यों की, इसके 12 कारण हैं। दामोदर लीला के पीछे वैसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो दिखाई दिए आचार्यों की दृष्टि से, कृष्ण के द्वारा दामोदर लीला करने के 12 कारण आज के इस प्रथम सत्र में शायद हम इतना ही श्रवण कर पाएंगे। ये 12 कारण कौन से हैं, भगवान कृष्ण ने ये दामोदर लीला क्यों की। कारण एक, बहुत वर्ष पूर्व गुरुदेव के मुख से सुना था, बड़ी सरल भाषा में वे कहते थे, दामोदर लीला के पीछे प्रथम कारण, भगवान कृष्ण ने सोचा कि मैं पूरी दुनिया को बांध कर रखता हूं। कृष्ण इस संसार में पूरी दुनिया को बांध कर रखे हैं। श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद में यमराज अपने दूतों को यह बात कहते हैं, परो मदन्य ओतम पोतम पटवधत्र विश्वम। हे मेरे दूतों, भगवान ने इस संसार के समस्त जीवों को ऐसे बांध कर रखा है जैसे जैसे ये कपड़ा होता ना, कपड़े में मात्र धागे होते हैं और उसमें कोई गम या कोई फेविकोल नहीं होता, लेकिन उन धागों को ऐसे फंसाया जाता है, एक के बीच में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा, कि वह धागा ऐसे ऐसे फंसाया जाता है कि वह कपड़ा बन जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान ने संसार के जीवों को बांध कर रखा है, फंसा कर रखा है। तब आपके मन में प्रश्न होगा कि भगवान ने कैसे बांध कर रखा है, वो बंधन तो दिखाई नहीं देता। यमराज जी ने उत्तर दिया, वे कहते हैं, भगवान संसार के जीवों को उनकी माया के द्वारा बांध कर रखते हैं। माया भगवान की शक्ति है और माया के द्वारा भगवान संसार के जीवों को बांध कर रखते हैं। अब आप बताइए, इस संसार में कौन ऐसा जीव है जो माया से मुक्त है। सब लोग माया में बंधे हुए हैं, यहां तक देवाधिदेव महादेव शिव ब्रह्मा इंद्र भी इससे मुक्त नहीं है। इसी भागवत के 10 स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में यह देखा गया, ब्रह्मा भी कृष्ण को नहीं समझ पाए और ब्रह्म विमोहन लीला आप सब जानते हैं। माया नहीं तो क्या है,
शिव जी का मोहिनी के पीछे भागना ये भगवान की माया नहीं तो क्या है? देवराज इंद्र के द्वारा बार बार गलती करना ये माया नहीं तो और क्या है? जब दुनिया के इतने बड़े बड़े जीव, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए लोग माया में फंसे हुए हैं, तो मेरे और आप जैसे लोगों की क्या बात की जाए? हो सकता है कि आप लोग माया से मुक्त हो भाई, शुद्ध भक्ति के स्तर पर हो। मेरे जैसे लोगों की यदि बात करूं तो माया में फंसे हुए हैं। तो भगवान संसार के समस्त जीवों को माया के द्वारा बांध कर रखते हैं। यदि आपने भगवद गीता पढ़ी है, पढ़ी नहीं देखी है, भगवद गीता एज इट इज श्रील प्रभुपाद ने जो लिखी है, भले पढ़े नहीं लेकिन वो फोटो तो हमने देखे होंगे, आगे 10-12 फोटो लगाए हुए हैं, शायद आपको स्मरण होगा। उसमें एक फोटो है कि दो लोग, दो आदमी खड़े हैं, एक के हाथ में हॉकी है और ऊपर तीन स्त्रियां हैं और उसके हाथों में रस्सी है। जानते हैं ये फोटो? तीन स्त्रियां हैं, उनके हाथों में रस्सी है और रस्सी के द्वारा दो आदमी को बांधा हुआ है। वो पिक्चर, वो फोटो यह बताने का प्रयास कर रहा है कि वो दो आदमी और कोई नहीं, हम लोग हैं। और वो जो तीन स्त्रियां हैं, वो स्त्रियां और कोई नहीं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है। सत्व, रजस और तमस ये तीनों माया के गुण है, बहिरंगा शक्ति महामाया के ये गुण है। और माया भगवान की शक्ति है, तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली भगवान के द्वारा पूरा जगत बंधा हुआ है। समझ में आ गया है? अब आगे भगवान ने देखा कि मैंने पूरी दुनिया को बांध कर रखा है, लेकिन अब मेरे मन में भी इच्छा हो रही है कि कोई मुझे बांधे है। मैंने दुनिया को, दुनिया के सभी लोगों को बांध कर रखा है, और ये बंधन का एहसास कैसा होता है? एक दिन भगवान ने सोचा कि ये मुझे भी उसका एहसास करना है कि ये बंधन होता कैसा है, है? मुझे तत्कालीन वो केवट का प्रसंग याद आ रहा है, रामायण का केवट। एक तो राम को अपनी नौका में बिठाना नहीं चाहता था, और जब नौका में बिठा दिया, चाहता तो 5 मिनट में गंगा पार करा देता, लेकिन भगवान के भक्त बड़े टेढ़े होते हैं। वह केवट राम को नौका में बिठाकर उसी नदी में चक्कर काट कटवाने लगा। शायद आप भारत गए हो, और भारत में अहमदाबाद यदि गए हो, और अहमदाबाद के रिक्शा वालों का एक्सपीरियंस यदि आपको होगा, मुझे तो हुआ है, यदि उनको पता चले कि ये नया बंदा है और आप कहो कि मुझे फलानी जगह पर जाना है, तो इतना घुमाएंगे, इतना घुमाएंगे, इतना घुमाएंगे, और बीच में अपनी सब्जी भी ले लेंगे, अपना दूध आदि जो घर की ग्रोसरी है सब कुछ ले लेंगे और फिर पहुंचाएंगे। केवट बिल्कुल गुजरात अहमदाबाद के रिक्शा वाले की तरह था। पता नहीं गुजराती हो भी होगा। राम को उस बीच गंगा में ही चक्कर कटवाने लगा। राम देख रहे हैं और लक्ष्मण को क्रोध हो रहा है। लक्ष्मण की आंखें लाल हो गई, कान लाल हो गए, और बार बार तरकस से बाण निकाल रहे हैं, और राम शांत करे, लक्ष्मण शांत शांत शांत, खून खराबा ठीक नहीं है। भगवान से नहीं रहा गया, 1.5 घंटे, 5 मिनट का काम था नदी पार करवाना, इसने 1.5 घंटा लगाया, फिर भी वो बीच में ही घूम रही थी नौका। भगवान से नहीं रहा गया, भगवान ने कहा केवट, केवट अब बहुत हुआ, अब हमें पार करा दो, हम ये चक्कर मार कर थक गए हैं। ये जो तुम हमें चक्कर मरवा रहे हो ना, ये चक्कर मार के हम थक गए हैं, अब हमें पार करा दो। तब केवट ने इतना ही कहा कि प्रभु, मैं आपको यही एहसास कराना चाहता था
कि आप गंगा नदी के दो तीन चक्कर मारकर थक गए, हम लोग 84 के चक्कर में फंसे हुए हैं, हम 84 के चक्कर में फंसे हुए हैं और आप गंगा के दो तीन चक्कर में थक गए। मैं आपको यह एहसास कराना चाहता था। क्यों? क्योंकि घायल की गति घायल जाने हैं। किसी दुखी व्यक्ति का दुख क्या होता है ये तो दुखी आदमी ही जान सकता है। इसलिए किसी और को समझने के लिए स्वयं को दुखी होना भी जरूरी है। बात आई इसलिए कह दूं मेरे मित्रों या मेरे वरिष्ठों, कभी कभी हमारे जीवन में दुख आते हैं, भले हम भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, हम कभी भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, अच्छा काम करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हमें अनुभव कराना चाहते हैं। क्योंकि जब तक स्वयं दुख का अनुभव नहीं होगा तब तक दूसरों के दुख को कैसे समझ पाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने दामोदर लीला क्यों की? दामोदर माने जान लिया ना, उधर पर रस्सी उखल के साथ बंधने की लीला क्यों की? तो कारण एक, भगवान ने सोचा कि मैंने संसार के सभी जीवों को बांध कर रखा है, एक बार मैं बंध जाऊं मुझे भी पता चले कि यह बंधन कैसा होता है। और इस लीला की पूर्ति करने के लिए भगवान कृष्ण इस लीला में यशोदा मैया के हाथों से बंध गए। यह है पहला कारण। समझ में आ गया? मैं फिर पूछूंगा, खड़े करके पूछूंगा कि पहला कारण कौन सा, दूसरा कौन सा। ये 12 कारण दामोदर लीला के 12 रीजन, और गारंटी दे रहा हूं कि आप ये अपने जीवन में पहली बार सुन रहे होंगे। आप नहीं, शायद सब लोग पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि आचार्यों ने लिखा है। मैं जो ये बता रहा हूं ये हमारी बुद्धि तो है नहीं, ये आचार्यों की बुद्धि है। शिपा छिदर स्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, रूप सनातन, इन्होंने भागवत के ऊपर बहुत कुछ लिखा है इस लीला के प्रसंग में। ये पहला कारण। पुरुष्टि संप्रदाय के प्रणेता आचार्य शिपाद वल्लभाचार्य, जो पुरुष्टि मार्ग के उपासक, वात्सल्य रस के उपासक, उन्होंने सुबोधिनी नामक ग्रंथ लिखा जिसमें भागवत के इन श्लोकों पर विशेष व्याख्या, विस्तृत व्याख्या की। मुझे पढ़ने का अवसर मिला था कई वर्ष पूर्व। तो श्रीपाद वल्लभाचार्य ने कहा, दूसरा कारण कृष्ण की दामोदर लीला का दूसरा कारण वे श्लोक बताते हैं। शास्त्रार्थ यथा भक्ति हरोर भवति निश्चला, तदर्थ नवमे प्राह चरित्रम परम अद्भुतम। इस शास्त्र में, भागवत रूपी शास्त्र में भगवान कृष्ण की यह सुंदर लीला बताई गई है, क्योंकि वे कहते हैं शास्त्र का अर्थ भगवान है और शास्त्रों में भगवान कृष्ण के स्वरूप का वर्णन होता है। भगवान अपनी लीला, अपने माधुर्य का एहसास कराने के लिए वल्लभाचार्य कहते हैं कि भगवान ये जताना चाहते थे कि मैं कोई आपसे अलग नहीं हूं, मैं आप जैसा ही व्यक्ति हूं। जैसे आपको दुख होता है वैसे मुझे भी कभी कभी दुख होता है, जैसे आपको सुख मिलता है मुझे भी सुख मिलता है। हमारा भगवान से प्रेम हो जाए इसलिए भगवान एक साधारण बालक बनकर यह दामोदर लीला करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा प्रेम जो है ना समान बिरादरी वालों में ही होता है। जैसे जैसे कुत्ते का प्रेम कुत्तों से होता है,
गधे का प्रेम गधी से होता है, घोड़ा घोड़े का प्रेम घोड़ी से होता है, है? ऐसा कभी सुना कि घोड़ा किसी गधी के ऊपर फिदा हो गया? नहीं, घोड़ों के समाज में उनका प्रेम होता है, गधों के समाज में गधों का, कुत्तों के समाज में कुत्तों का। भगवान श्री कृष्ण मनुष्यों के ऊपर बड़े कृपालु हैं, बड़े प्रसन्न हैं, इसलिए भगवान मनुष्य रूप लेकर आए और मनुष्य जैसी साधारण लीला किए, यह समझाने के लिए कि मैं आप ही की तरह व्यक्ति हूं और मैं आपसे प्रेम करने लायक व्यक्ति हूं। इसलिए भगवान ने यह दामोदर लीला प्रस्तुत की। इस लीला का तीसरा कारण, स्वरूपम च कृपालुत्वम हरेर ज्ञातम अंजसा। इस लीला का तीसरा कारण, भगवान इस लीला के द्वारा अपना गुण प्रकट करना चाहते थे। कृष्ण बताना चाहते थे मेरे में गुण है और सबसे बड़ा गुण है कृपालु का, कृपालुता। इस लीला में भगवान ने अपनी कृपालुत्व का गुण प्रकट किया। क्या कृपा रही भगवान की? दुनिया की कोई ताकत भगवान को नहीं बांध सकती है, लेकिन भगवान के अंदर ऐसी कृपा उत्पन्न हुई कि अपने भक्त के हाथों से बंध गए। अपनी कृपा प्रदर्शित करने के लिए समाज में, दुनिया में अपनी कृपा को समझाने के लिए, कृपा को दिखाने के लिए भगवान कृष्ण ने यह दामोदर लीला प्रस्तुत की। कितने कारण हुए? तीन। फिर से याद करा दो। पहला कारण कि दुनिया को, भगवान ने सोचा कि दुनिया को लोगों को बांध कर रखा है, एक बार मैं भी बंधना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि यह बंधन होता कैसा है। एक दूसरा कारण, वे अपना माधुर्य प्रस्तुत करना चाहते थे। तीसरा कारण, वे अपनी कृपा दिखाना चाहते थे कि संसार में मुझसे बड़ा दयालु, मुझसे बड़ा कृपालु और कोई नहीं है। इस दामोदर लीला का चौथा कारण है, सुबोधिनी में श्रीपाद वल्लभाचार्य ने लिखा, निरोधो यदि भक्ता नाम स्वस्मिन स्वस्य चते शुच। बहुत सुंदर बात, ये हमारे जीवन की प्रैक्टिकल बात है। इस संसार में जितनी भी मुसीबत, जितनी भी प्रॉब्लम, जितनी भी फजीहत है, केवल एक चीज को लेकर है और वो है हमारा मन। मन अनकंट्रोल्ड होने के कारण, मन अशांत होने के कारण, मन में सेटिस्फेक्शन नहीं होने के कारण दुनिया की ये मगजमारी, अनेकों प्रकार की फजीहत प्रॉब्लम है। याद रहे, यदि आपके पास करोड़ों रुपये हैं, करोड़ों की इमारत में आप रहते हैं, लेकिन आपका मन यदि कंट्रोल नहीं है, तो उस करोड़ों की इमारत में रहकर भी, एयर कंडीशन में बैठकर भी, दिल तो जलता रहेगा, आदमी दुखी रहेगा। लेकिन मन यदि वश में है, मन में संतोष है, मन यदि वश में है, तो झोंपड़ी में रहकर भी आदमी उस करोड़ों की इमारत में रहने वाले से अधिक सुखी हो जाएगा। ये तो मन की बात है भक्तों, मन की बात है। कबीरदास जी ने एक बहुत सुंदर दोहा कहा, हमारे भारत के संत हुए कबीरदास, उन्होंने कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीते हैं। याद रहे, मन हार गए तो सब कुछ हार गए, मन जीते तो दुनिया आपकी मुट्ठी में है। महाभारत के प्रारंभ में आप सब इस प्रसंग को जानते हैं, स्मरण करा दूं। इस धरती के चक्रवर्ती सम्राट महाराज भरत, इस भारत के सम्राट
पूरी दुनिया के सम्राट महाराज भरत पूरी दुनिया को जीतकर अपने गुरु के पास गए अपनी कुछ प्रॉब्लम लेकर। उस समय इस विश्व के चक्रवर्ती सम्राट महाराज भरत को उनके गुरु ने इतना ही कहा कि राजन तूने दुनिया को तो जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं जीता, और जब अपने मन को ही नहीं जीता तो इस दुनिया को जीतने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए भक्तों, दुनिया को जीतने से अच्छा है अपने मन को जीते। मैं यह नहीं कहता हूं कि फटे फटे पुराने कपड़े पहनकर भूखे संसार में घूमते रहे। देखिए, दो तीन टाइम की रोटी सब्जी तो हमें मिल ही जाती है, पहनने के लिए वस्त्र मिल जाते हैं, फिर भी हम लोग भागदौड़ लगाते हैं। मैं जब भारत में था तो मैं देख रहा था कि सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भारत की लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। लेकिन जब अमेरिका आया कुछ दिनों से, यहां पर मैं देख रहा हूं कि भारत के लोगों से अधिक लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। भारत का 65 रुपया, अमेरिका का $1, इतनी इकोनॉमी हाई है, इतनी फैसिलिटी है, लेकिन भारत से अधिक मेहनत परिश्रम तो लोग यहां पर कर रहे हैं। क्यों? दो वक्त की रोटी है, घर है, कपड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आदमी को संतोष नहीं है। अब दो चीज आपके पास है, दो ऑप्शन है, या तो बहुत बहुत कमाओ, बहुत बहुत एकत्रित करो और ये सब करने में मेहनत परिश्रम और हो सकता है न भी मिले। लेकिन एक सरल रास्ता ये है भक्तों, कुछ ना करे, केवल मन में संतोष आ जाए, केवल मन को वश में कर ले, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, है? जो करना चाहिए वो करते नहीं, मन को संतोष मन को शांत रखना ये करते नहीं, और संसार में भागदौड़ करते रहते हैं। इस भागदौड़ का कोई अंत नहीं है जब तक मन वश में नहीं हुआ। मनुष्य जीवन मिला है पुरुषार्थ करने के लिए, करें, लेकिन पुरुषार्थ के साथ साथ अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयास करें, नहीं तो ये जीवन बर्बाद हो जाएगा। गीताकार कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम्हें दुश्मन को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुश्मन कोई बाहर नहीं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर बैठा है, और वो है नहीं जीता हुआ हमारा मन, अनकंट्रोल्ड मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा। इस मन को तो फिर प्रश्न हुआ कि मित्र कौन है? अनकंट्रोल्ड मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, तो फिर मित्र कौन? कंट्रोल्ड मन हमारा सबसे बड़ा मित्र है, सबसे बड़ा। कुल मिलाकर ये जितनी भी प्रॉब्लम, जितनी भी फजीहत है, ये सब मन से है। वर्तमान के 99% रोग मन से होते हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ये सब मन के रोग है। आजकल जो हार्ट अटैक की संख्या, डायबिटीज आदि की संख्या बढ़ रही है, 50-100 वर्ष पहले भक्तों हमारे पास पैसे कम थे, हमारे बाप दादाओं के पास पैसे कम थे, लेकिन हार्ट अटैक नहीं था, ब्लड प्रेशर नहीं था, डायबिटीज नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनके मन में संतोष था। आज धन का ढेर खड़ा कर दिया भगवान ने, हैं? इतनी मिलकत, इतनी प्रॉपर्टी, इतना कुछ भगवान ने दे दिया, लेकिन फिर भी चिंता है, टेंशन है, क्योंकि हमारे मन में संतोष नहीं, हमारा मन कंट्रोल नहीं है। ये केवल बड़े लोगों के लिए नहीं, स्टूडेंट के लिए भी कहूं, आजकल के स्टूडेंट भी परेशान है।
ठीक से अपनी पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ठीक से मार्क्स नहीं ला पाते हैं। क्यों? क्योंकि मन कंट्रोल नहीं है, मन यहाँ वहाँ भटकता है। और जिस दिन से ये फेसबुक और व्हाट्सएप लॉन्च हुआ है, मेरी बात आप लिख लीजिएगा, एक दिन ये फेसबुक और व्हाट्सएप जो है रोगों में नाम दर्ज करा लेगा, ये एक रोग माना जाएगा। और हमारे ये फार्मेसी में जाना पड़ेगा उसकी दवाई लेने के लिए, विपुल प्रभु की फार्मेसी में। ऐसी चर्चा होगी कि तुझे कौन सा रोग है, मुझे व्हाट्सएप हो गया है, मुझे थर्ड डिग्री फेसबुक हो गया है, मेरा फेसबुक सेकंड स्टेज में है, जैसे बोलते हैं ना मेरा कैंसर सेकंड स्टेज में है। ये कैंसर, कैंसर से भी बहुत बुरा रोग है, ये बहुत बुरा, इसलिए कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। यदि मन कॉन्सेंट्रेट हो जाए, यदि आप जो चाहते हैं पढ़ाई में मन लग जाए, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो कुल मिलाकर चाहे छोटा हो, स्टूडेंट हो, गृहस्थ हो, बड़े हो, बिजनेस, जो भी जिस किसी भी फील्ड में, मन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल। हम शरीर के लिए बहुत कुछ करते, याद रहे हम जीवा के लिए अच्छे अच्छे टेस्टफुल पदार्थ खाने के लिए देते हैं, शरीर के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, लेकिन मन के लिए हमने क्या किया? कुछ नहीं। शरीर को तो एक्सरसाइज भी करवाते हैं, लेकिन मन की एक्सरसाइज क्या करते हैं? कुछ नहीं। छोड़ दिया है मन को अकेला। उपनिषद में ऐसा लिखा है कि हमारा यह शरीर एक रथ के समान है, हमारा शरीर रथ है, जिस रथ में 5 घोड़े लगे हुए हैं। इस शरीर रूपी रथ में 5 घोड़े लगे हुए हैं, वे 5 घोड़े कौन हैं? हमारी 5 इंद्रियां, आंख, कान, जीवा आदि। ये हमारी 5 इंद्रियां उस रथ के 5 घोड़े हैं, और उस घोड़ों के नाक में से जो रस्सी निकलती है, वो रस्सी क्या है? वो रस्सी मन है। और रस्सी को पकड़कर उस रथ को चलाने वाला सारथी कौन है? बुद्धि। और उस रथ पर बैठा हुआ रथी कौन है? आत्मा है? आत्मा शरीर रूपी रथ पर बैठा है, और बुद्धि के हाथ में मन की लगाम, और मन के हाथ में इंद्रियों की लगाम। अब आप इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा रथ है जिस रथ पर एक रथी बैठा है, और एक ड्राइवर बैठा है जो रथ को चला रहा है, जिस रथ में 5 घोड़े हैं और बिल्कुल कंट्रोल है, लेकिन घोड़े दौड़ रहे हैं, और दौड़ते दौड़ते सारथी के हाथ में से लगाम छूट जाए। आप अपनी कार से 200 की स्पीड में जा रहे हैं और स्टेयरिंग छूट जाए, क्या होगा? वह रथ कहां जाकर खड़ा रहेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक उसी प्रकार गीताकार कृष्ण ने कहा कि आत्मा के द्वारा बुद्धि को कंट्रोल करे, और बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल करे, और मन के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल। इंद्रियाणि प्राण्याहु इंद्रियेभ्य परमं मनः, मनसस्तु प्राबुद्धि ये बुद्धि परतस्तु सः। मन के ऊपर बुद्धि का राज और बुद्धि के ऊपर आत्मा का, लेकिन हमारा सब कुछ गड़बड़ हो चुका है। आत्मा के द्वारा बुद्धि को कंट्रोल करना चाहिए, बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन हुआ क्या है? मन ने ही हमारी सारी चीज को कंट्रोल कर लिया है। हमारी आंख को भी मन कंट्रोल करता है, नाक को भी मन कंट्रोल करता है, बुद्धि को भी मन कंट्रोल करता है, आत्मा को भी मन कंट्रोल करता है। और इसीलिए हमारे जीवन रूपी रथ का कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं।
संसार की क्षणिक वस्तुओं के लिए हैं, इस शरीर को क्षणिक सुख देने के लिए हम आत्मा को फजीहत में डाल देते हैं, आत्मा की दुर्गति करा देते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो है कि आत्मा की उन्नति कराने के लिए, आत्मा का प्रोग्रेस कराने के लिए शरीर से मेहनत करवाए। लेकिन हम लोग शरीर को फैसिलिटी देना चाहते हैं और आत्मा को दुर्गति में डाल देते हैं। आत्मा की उन्नति, कुल मिलाकर मैं ज्यादा बोलूंगा तो ये पॉइंट आप भूल जाएंगे। चौथा पॉइंट चल रहा है ना, दामोदर लीला क्यों, तो मैंने शुरू किया था ये चौथे पॉइंट को कि सारे प्रकार की प्रॉब्लम की जड़ क्या है, अनकंट्रोल्ड मन है? इस पर मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया, वापस आ जाइए कि अनकंट्रोल्ड मन ही सारे प्रॉब्लम की जड़ है। जब तक ये मन कंट्रोल नहीं होगा तब तक जीवन में न शांति मिलेगी, न सुख मिलेगा, न कुछ। तब प्रश्न होगा कि मन कंट्रोल कैसे होगा। संसार में कुछ लोग मन को कंट्रोल करने के लिए योग मार्ग स्वीकार करते हैं। मैं उसकी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, जो योगा करते हैं बहुत अच्छी बात है। प्राय वर्तमान के योगा तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है, फिर भी कुछ लोग मन को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, मन को निराकार ज्योति में, निराकार ब्रह्म में, या मन को स्टॉप, मन को रोकने का प्रयास करते हैं। ये एक मन को कंट्रोल करने का तरीका है, ठीक है, कि भाई अपने मन को स्टॉप कर दो। आपने कभी सुना होगा लोगों के मुख से, अपने मन को रोक दो, अपने मन को स्टॉप करो, या अपने मन को किसी ज्योति में लगाओ। ये एक तरीका है, लेकिन इस प्रोसेस में सारी मेहनत हमें करनी पड़ेगी और ये प्रोसेस बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक दूसरी प्रोसेस है जो बिल्कुल आसान है। मन को स्टॉप करने में सारी मेहनत हमको ही करनी पड़ेगी, लेकिन एक प्रोसेस है, यदि हमारे मन को भगवान की कथा में या भगवान कृष्ण की लीला में लगाया जाए तो आधा काम हमें करना है, आधा काम कृष्ण करेंगे। उसमें तो पूरा टोटल हमें ही करना है, हमें ही मन को रोकना है, हमें ही मन को कंट्रोल करना है। लेकिन यदि हम हमारा मन कृष्ण की लीला में लगाए, कृष्ण की लीला इतनी रसमयी है, इतनी सुंदर है, इतनी मधुर है, कृष्ण अपनी ओर से फोर्स करेंगे और हम थोड़ा सा अपनी ओर से प्रयास करेंगे। भागवत में तो यहां तक कहा कि यदि इस प्रोसेस को आप स्वीकार करते हो तो आपको एक कदम बढ़ाना है, बाकी 99 कदम तो कृष्ण बढ़ाएंगे। 99% वहां से होगा, हमें केवल 1%। भगवान की लीला ही इतनी मधुर है, इतनी सुंदर है, जैसे जैसे वो चुंबक होता है ना, मैग्नेट, जैसे मैग्नेट की ओर लोहा अपने आप खींच जाता है, आकर्षित हो जाता है, भगवान की लीला उस मैग्नेट के समान है कि जैसे ही हम सुनते हैं तो हमारा मन जैसे वह लोहा चुंबक की ओर चिपक जाता है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण की लीला इतनी मधुर है उस मैग्नेट की तरह कि हमारा मन बिल्कुल चिपक जाता है, प्रयास नहीं करना पड़ता। मुझे लगता है कि आपको यह समझ में आ रहा है ना समझ में। तो सारे प्रॉब्लम की जड़ मन है, अनकंट्रोल्ड मन, और उस अनकंट्रोल्ड मन को कंट्रोल करने के लिए दुनिया में अनेकों तरीके हैं लेकिन बहुत मुश्किल हैं। सबसे आसान तरीका है भगवान की लीला में मन को लगाना। तो अब चौथा कारण यह है कि यह दामोदर लीला कृष्ण की इतनी सुंदर, इतनी मधुर लीला है कि सुनने वाले का मन अपने आप इस लीला में लग जाता है। अन्य अन्य लीला में भी मन लगता है लेकिन इस लीला में हाई पावर का मैग्नेट है,
इस लीला में मैग्नेट जो है हाई पावर का है, यदि इसे सुनेंगे तो हमारा मन तुरंत चिपक जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। इस पॉइंट में एक चीज बता दूं कि हमारा मन भगवान में लगना, भगवान की लीला में लगना, ये वास्तविक कंट्रोल्ड मन की निशानी है, या इसी को समाधि कहते हैं। और भागवत जो है ना, समाधि का ग्रंथ है। स्मरण करा दूं, प्रथम स्कंद में वर्णन है कि वेदव्यास मुनि ने, श्री व्यास मुनि ने यह भागवत ग्रंथ समाधि में बैठकर लिखा है। हम लोग जैसे किताब लिखते हैं वैसे नहीं, बद्रीनाथ जैसे पवित्र धाम में गणेश जी लिख रहे थे और वेदव्यास के मुख से समाधि में बैठे थे, आंखें बंद थी, मन पूर्ण रूप से लग चुका था, और समाधि में बैठकर व्यास मुनि के मुख से जो श्लोक निकले और गणेश जी ने जो लिखे, वही है भागवत। ये भागवत वेदव्यास मुनि के समाधि की भाषा है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि ये भागवत समाधि में बैठकर लिखा गया। इस भागवत को यदि कोई ध्यान से सुने तो भागवत को सुनना ही समाधि है, भागवत को सुनना ही समाधि है, भागवत को सुनना ही अपने मन को कंट्रोल करना है। तो भगवान बड़े कृपालु हैं। भगवान ने देखा कि दुखों की जड़ अनकंट्रोल्ड मन है, तो मैं ऐसी लीला करूं ताकि संसार के लोग मेरी लीला सुने, कथा सुने, जिससे उनका अनकंट्रोल्ड मन कंट्रोल हो जाए। तो दामोदर लीला का चौथा कारण हम श्लोक के अनुसार, निरोधो यदि भक्तानाम, भक्तों के मन को निरोध करना, अर्थात भक्तों के मन को आकर्षित करना, कंट्रोल करना, ये चौथा कारण। समझ में आ गया? चार कारण पक्का? हाँ तो बोलो। अब पांचवा कारण, इस लीला में भगवान दिखाना चाहते थे, और एक भगवान अपना गुण दिखाना चाहते थे। धीरे से बोलिए, बाहर को कोई खड़े होकर जाओ, कुछ बातें यहां पर ध्यान रखनी चाहिए। भागवत की मर्यादा तो रखनी चाहिए। एक बात है कि ये कथा के समय बेल ना बजे, कथा के समय कोई बच्चे डिस्टर्ब ना करें, कथा के समय कोई यहाँ से ना जाए, ये सारी मर्यादा है भागवत की, नहीं तो अपराध हो जाता है। और कोई जोर से बात ना करे, गलती उन लोगों की नहीं है, वे नहीं जानते हैं, तो हमारे में से कोई एक लीडर बनकर इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है चैतन्यानंद प्रभु, किसी को सेवा सौंप दीजिएगा। और आप पीछे मुड़कर देख लीजिए, भर गया है हॉल, अब चिंता मत कीजिए। तुम्हारा नाम शुभ पापा? राजेंद्र। राजेंद्र प्रभु चिंता कर रहे थे कि प्रसाद बनाया है मैंने 250 भक्तों का, कोई बात नहीं, ये जो आए हैं ना, दो दो लोगों का खाने वाले हैं, चिंता मत कीजिए। क्या है प्रसाद में? प्रसाद में शू बनाए कुछ? हाँ, सब्जी से नहीं से? ओहो हो हो, आज मिक्स वेजिटेबल की सब्जी है, और सुंदर, बिल्कुल मोटे मोटे दाने वाले आप लोग खाते ना, ए क्वालिटी के राइस है, फ्राइड राइस, और फिर दाल भी है। दाल कई है? गुजराती है कि राजस्थानी? गुजराती दाल है। तो दाल है, भात है, और मिक्स वेजिटेबल इस्कॉन की फेवरेट सब्जी है, और राजगिरा का क्या बात है, मैंगो लस्सी तो पिला देनी चाहिए थी सबको। मैं एक ब्रेक रखूं, पिला दोगे सबको? तो बीच में ब्रेक कर देता हूं मैं, एक
तो आप लोग जाओ मत आज, क्योंकि बहुत अच्छा प्रसाद है और साथ ही साथ हलवा है आज, पानी आ गया। मन तो होता है बंद करके प्रसाद ले लें, लेकिन आधे घंटे रुक जाइए। मैं मेनू इसलिए बोला था कि जो जाने का सोचे थे वो भी बैठ जाए। हरे कृष्णा कृष्णा तो चार कारण दामोदर लीला के पीछे, दामोदर लीला करने के पीछे चार कारण। एक आचार्य ने बहुत सुंदर कहा कि कृष्ण ने दामोदर लीला क्यों की, इसका पांचवा कारण भगवान कृष्ण ये दिखाना चाहते थे कि मैं विरुद्ध धर्मशाही हूं, विरुद्ध धर्माशाही, अर्थात दो विरुद्ध गुण भगवान में होते हैं, दो विरुद्ध गुण भगवान में होते हैं। ये बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, ये भगवान की बहुत बड़ी महानता है, ये बहुत बड़ी चीज है कि दो विरुद्ध गुण किसी एक व्यक्ति में होना, अर्थात इसका अर्थ क्या है, दो विरुद्ध गुण माने विरुद्ध धर्माशयी माने। भगवान चाहे तो अणु से भी अणु बन सकते हैं, जैसे भगवान परमात्मा के रूप में संसार के सभी जीवों के हृदय में बैठे हैं, कितना छोटा स्वरूप, ब्रह्म के रूप में दुनिया के कण कण में है। कृष्ण अणु के भी अणु बन सकते हैं और विभू के भी विभू बन सकते हैं, जरूरत पड़ने पर सबसे छोटा एक अणु का भी अणु बन जाए और कभी जरूरत पड़ने पर बहुत बड़े विशाल विकराल स्वरूप धारण कर ले। इसे कहते हैं विरुद्ध धर्माशयी। साधारण व्यक्ति में यह शक्ति नहीं होती, और कुल मिलाकर जो अपने आप को भगवान कहते हैं उसे तो यह प्रवचन सुन ही लेना चाहिए कि भगवान वो है जो अणु से भी अणु बन सके और विभू से भी विभू बन सके। दृष्टान और दूसरी बात, इस लीला के द्वारा भगवान ने प्रकट रूप से बताया कि मैं परम स्वतंत्र हूं। भागवत के प्रथम श्लोक में व्यास मुनि ने मंगलाचरण करते हुए कह दिया, जन्माधस्य यतोन्व आदि तरत चार्थेषु भिज्ञ स्वराट। स्वराट माने स्वतंत्र, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, इस दुनिया में एक ही व्यक्ति स्वतंत्र है। भले हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनावे, लेकिन ये तो कहने मात्र भर है, बाकी इंडिपेंडेंट कौन है, सब लोग बाउंडेज बंधे हुए हैं, हम सब में बहुत सारे बंधन हैं। स्वतंत्र एकमात्र है और वो है कृष्णा। आप विचार कीजिए कितने बंधन हैं हमारे जीवन में, आत्मा के ऊपर मन का बंधन, बुद्धि का बंधन, अहंकार का बंधन, पंच महाभूत के शरीर का बंधन, जन्म का बंधन, मृत्यु का बंधन, बुढ़ापे का बंधन, रोगों का बंधन, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य का बंधन, स्कूल में गए तो टीचर का बंधन, माता पिता का बंधन, सबसे बड़ा पत्नी का बंधन। रोज ऑफिस से 7 बजे घर पर लौटते हैं, 5 मिनट भी देरी हो गई तो तुरंत फोन जाता है, अजी घर पे क्यों नहीं पहुंचे, बंधन है ये। शादी के पहले आदमी शेर की तरह घूमता है, शादी के पहले आदमी जब अपनी गली से निकलता है तो लोग देखते हैं कि जैसे वन का केसरी सिंह गली से निकल रहा हो, वनराज केसरी सिंह गली से जा रहा हो, ऐसी शोभा। और शादी के बाद चूहा बन जाता है बेचारा, चूहा। देखो राजेंद्र जी ताली बजाकर अनुमोदन कर रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, माता जी ने थी ऐसा लगता एटले एटले
माताजी नहीं है इसलिए ताली बजेंगे, बाकी जिसकी पत्नी आए वो तो ताली भी नहीं बजा पाएंगे, क्योंकि घर पे जाकर वो फिर रिएक्शन आएगा कि रे ताली क्यों बजा रहा था। शादी के पहले हीरो नंबर वन होता है, शादी के बाद कुली नंबर वन बन जाता है। एक बार पूरे वन के राजा सिम का विवाह था, पूरे जंगल में इनविटेशन कार्ड बांट दिया सबको, विद फैमिली मेरी शादी में आना है। और शादी का दिन आया और सब लोग, अब सिम की शादी थी, नहीं जाएंगे तो खा जाएगा पूरा वन। उस वनराज सिम की शादी में जा रहा था, एक चूहा बिल में बैठा था और दूसरे किसी व्यक्ति ने देखा कि चूहा बिल में है, सब लोग उसकी शादी में जा रहे हैं, ये बिल में बैठा है। कहा कि मूषक महाशय, चूहे महाराज, चलो शादी में। बोले मैं नहीं आने वाला। बोले जानते हो किसकी शादी? पूरे वन के राजा केसरी सिंह की शादी है, नहीं जाओगे तो मार देगा। बोले मुझे कोई चिंता नहीं है। कारण? तब उस चूहे ने कहा कि देखो भाई, शादी के पहले मैं भी सिंह था, शादी हुई चूहा बनकर बैठ गया ना, अब वो भी कल चूहा ही बनने वाला है। आज भले कितनी भी गर्जना करे, कल चूहा होने वाला है। खैर, मैं किस पर कह रहा था ये? हाँ, 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 भगवान छोटे से छोटे हैं, बड़े से बड़े हो सकते हैं। और बंधन की बात कर रहा था कि हम सब जीवों पर अनेकों प्रकार के बंधन हैं और भगवान स्वतंत्र है, हम सब बंधन में हैं। हमारा 2-3 साल का लड़का है, एक माता जी के गोद में एक बालक है, मैं देख रहा हूं माता पिता का उस बालक से कितना प्रेम होता है। कभी कभी अचानक से वो रात को बालक रोने लगता है, 104 डिग्री बुखार होता है, माँ और बाप दोनों चाहते हैं कि इस बालक का रोग, इस बालक का बुखार हमारे ऊपर आ जाए लेकिन ये ठीक हो जाए, लेकिन 1 डिग्री बुखार भी हम उसका ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बंधन है, हैं? बंधन है। हम जीवन भर तक जिसे चाहते हैं, जिसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, वो यदि मर जाए, यदि वो मर जाए, भले हम उसे कितना भी प्रेम करें, वो हमें कितना भी प्रेम करता था, लेकिन मरे हुए को क्या जीवित कर सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। लेकिन मेरे कृष्ण मरे हुए को भी जीवित कर सकते हैं क्योंकि वे स्वतंत्र हैं। फिर चाहे सांदीपनि मुनि का पुत्र हो, चाहे द्वारिका के वो ब्राह्मण के पुत्र हो, चाहे समुद्र मंथन के प्रसंग में देवता और दानव क्यों न हो, मरे हुए को जीवित भगवान कृष्ण ने किया। क्यों? क्योंकि वे स्वतंत्र हैं। समझ में आ रहा है ना? तो भगवान स्वतंत्र है, ये एक उनका गुण हुआ। जैसे वो अणु से भी अणु बन सकते हैं और विभू के भी विभू बन सकते हैं, वैसे भगवान स्वतंत्र के स्वतंत्र है। लेकिन इस लीला में भगवान ने दिखाया कि मैं पूर्ण स्वतंत्र भी हो सकता हूं और मैं पूर्ण बंध भी सकता हूं। यशोदा के बंधन में आकर भगवान ने विरुद्ध धर्माशयी गुण का प्रदर्शन किया कि अणु से अणु भी बन सकता हूं, विभू के विभू, और स्वतंत्र का स्वतंत्र हो सकता हूं और बंधन का बंधन में भी आ सकता हूं। इस लीला से भगवान ने अपना यह गुण प्रस्तुत किया। कितने हुए? 5। अब छठा कारण,
दामोदर लीला उखल बंधन लीला करने के पीछे भगवान श्री कृष्ण का छठा कारण, भगवान इस लीला के माध्यम से संसार के लोगों को, खास करके अपने भक्तों को ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे भक्त, मेरी भक्ति में जितना रमण करते हैं, मेरे भक्त मेरी भक्ति में जितना अधिक सराबोर रहते हैं, मैं उनको देखने के लिए या मैं उनकी सेवा करने के लिए उस भक्त से हजारों गुना अधिक सराबोर रहता हूं या इच्छा करता हूं। अर्थात हम भगवान को प्राप्त करने की जितनी इच्छा करते हैं ना, जितनी लालसा, जितनी तीव्रता रखते हैं, उससे करोड़ों गुना अधिक भगवान हमें प्राप्त करने की लालसा रखते हैं। कृष्ण चाहते हैं, भक्त भगवान को क्या स्मरण करेगा? भक्त भगवान का 1% स्मरण करता है तो भगवान उस भक्त का 100% स्मरण करते हैं। आप यह मत समझिए कि हम ही भगवान का ध्यान करते हैं, हम भगवान का ध्यान करते हैं, उससे अधिक भगवान अपने भक्त का ध्यान करते हैं। भगवान भी ध्यान में बैठते हैं। अब बताइए उनको काम क्या है? जहां जाओ वहां सोते हुए दिखाई देते हैं। शिरोदक्षाई विष्णु, गर्भदक्षाई विष्णु, कारणदक्षाई विष्णु, शाही 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 माने सोना। ऐसा आपने सुना होगा चतुर्मास में भगवान सोते हैं, देव उत्थान एकादशी के दिन जगते हैं, 4 महीना सोते हैं। सोकर करते क्या है? आदमी इतना क्यों सोता है? सोकर एक ही काम करते हैं, भगवान अपने भक्तों का ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं। और आपने सुना होगा चतुर्मास में तो विशेष भगवान सो जाते हैं, विशेष ध्यान करते हैं। इसलिए चतुर्मास में भक्ति करने का विधान है कि चतुर्मास में जो अधिक भक्ति करता है, क्योंकि वो तो सोकर ध्यान कर रहे हैं, तो अधिक भगवान की दृष्टि में चढ़ जाता है। भगवान भक्त का ध्यान। कल का इतिहास भक्तों, गुजरात में जूनागढ़ में एक बहुत बड़े संत जिसका नाम था नरसिंह मेहता, ये गुजराती लोग आके बैठे ना, इसलिए मैं गुजरात का दे रहा हूँ, थोड़े बंगला है तो थोड़ा वो भी बताऊंगा, मारे तो बधानू ध्यान रखू पड़े ना। तो एक बार नरसिंह मेहता के गांव में कुछ यात्रालु आए और उस 8-10 साधु संत महात्मा गण थे, उस गांव में पहुंचे और गांव के चौराहे पर कुछ लोगों को पूछने लगे कि हमको द्वारिका जाना है, और द्वारिका जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, धन नहीं है, और वहां पर हमको धन की बड़ी आवश्यकता है, तो आपके गांव में कोई है जो हमें हुंडी लिख कर दे ताकि हम द्वारिका से पैसे ले सके? बोले हाँ, है ना, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा आदमी है। बोले कौन? बोले नरसिंह मेहता। ये तो फक्कड़ बाबा थे लेकिन मजाक कर रहे थे उनकी। बोले हाँ, नरसिंह के पास जाओ। वे 7-8 महात्मा गण नरसिंह मेहता के पास गए और कहा कि हम बहुत बड़ी आशा लेकर आए हैं, आपके गांव के कुछ लोगों ने कहा है कि आप बहुत बड़े रईस हो, तो आप कुछ सेवा कर दीजिए, इस कागज में लिख दीजिए ताकि द्वारिका में हमें ये हुंडी मिल जाए, पैसे मिल जाए ताकि हम सेवा में लगा सके। नरसिंह ने अपने मन में सोचा कि ये तो गलत पते पर आए हैं, मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, हैं? लेकिन साधु को अपने घर से वापस लौटना, ये कोई भारत की संस्कृति नहीं है। रहीम जी का एक बहुत सुंदर दोहा है, रहीम जी ने लिखा, रहीमन वो नर मर चुके जो नर मांग न जाए। रहीम जी ने कहा कि इस संसार में वो आदमी मरा हुआ है जो दूसरों से मांगता है।
सच्चा साधु कभी किसी से अपने लिए कभी नहीं मांगता है। मांगने वाला तो छोटा बन जाता है, मांगने वाले का हाथ नीचे, देने वाले का ऊपर होता है, और गुरु तो हमेशा बड़ा होता है, वो कभी मांगता नहीं, और जो मांगता है वो गुरु नहीं। हमारे देश में मांगने की परंपरा नहीं है, याद रहे, हमारे देश में देने की परंपरा है। मांगने की परंपरा नहीं। कई बार कुछ लोग मुझे कहते हैं, प्रभु आप इतनी कथा करते हो, इतना परिश्रम करते हो, इतना बोलते हो, मांगते नहीं हो। ये हमारे देश की परंपरा नहीं है। और अमेरिका की परंपरा बता दूं, यहां मांगने की परंपरा है। ये मैंने स्पष्ट, मैं 2 महीना यहां रह चुका हूं, ये मैंने देखा, इसलिए मैं कह रहा हूं। और ये अपना समाज है, बाहर में किसी को नहीं कहता, लेकिन अपना समाज बेटा, इसलिए कहूं, यहां तो यार मांगने की परंपरा है। मैंने देखा कि कुछ लोगों के घर पर भोजन के लिए जाते हैं, तो आकर खड़े रहते हैं सिर पर, सब्जी चाहिए, रोटी चाहिए, डालेंगे नहीं, रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए। ये आर्यवर्ष की ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति घर पर आए हुए अतिथि को बिना मांगे देना, फिर चाहे भोजन हो, धन हो, जो भी हो, क्योंकि हमारे देश का सच्चा साधु कभी मांगेगा नहीं। मांगने से तो वो मरा हुआ माना जाता है, मांगता नहीं। सुदामा का जीवन कितना दरिद्रमय था, लेकिन सिद्धांत था कि मर जाएंगे, मांगेंगे नहीं, अयाचक वृत्ति। हमारे गौड़ीय संप्रदाय में माधवेंद्रपुरी, अयाचक वृत्ति, मर जाएंगे, मांगेंगे नहीं। तो यहां तो खाओगे रोटी, वैसे भी रोटी हाथ में पकड़ कर नहीं, रोटी तो अंदर पैक होती है, लाऊं रोटी, सब्जी लाऊं, ये परंपरा नहीं। हमारी देश की परंपरा है कि कोई अतिथि आया है, भोजन के लिए बैठा है, तो डालो, वो ना कहे फिर भी डालो। शास्त्र की बात कर रहा हूं, मैं श्लोक भूल रहा हूं, लेकिन श्लोक में लिखा है, फिर भी डालो, ना कहे फिर भी डालो। तो कि शास्त्र में पूछा गया, तो कब तक डालो? बोले जब तक वो सिंह की गर्जना न करे, बस जोर से सिंह की तरह न चिल्लाए, तब तक डालो। अब ये एक्सपेरिमेंट आज आप लोग मुझ पर मत करना। खैर, सिंह की गर्जना करे तब तक डालो। मुझे तत्कालीन याद आ रहा है, हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज वृंदावन में रहते हैं, और वहाँ पर हमारा बहुत बड़ा इस्कॉन का मंदिर है, कृष्ण बलराम मंदिर है। तो वहाँ अनेक विदेशी अमेरिकन भक्त भी आते जाते रहते हैं। तो एक दिन गुरु महाराज प्रसाद के लिए नीचे बैठे थे, सब लोग लाइन में, बहुत सारे सैकड़ों लोग बैठे होते हैं, 10-15 लाइनें होती हैं। तो सब्जी, रोटी, दाल, भात सब लोग दे रहे थे। उसमें से एक अमेरिकन डिवोटी था, वो अचार लेकर, एक बाल्टी में अचार और चम्मच, और अचार लेकर ऐसे चल रहा था। तो गुरु महाराज ने देखा कि ये तो किसी को न दे रहा है, न डाल रहा है। तो गुरु महाराज ने कहा कि अरे दो तो सही, डालो तो सही। तो उस अंग्रेज भक्त ने कहा कि कोई मांग नहीं रहा है, कोई मांग नहीं रहा है, मैं कैसे डालूं? कोई मांगे तो डालो ना, क्योंकि ये संस्कृति है यहाँ की, मांगे तो दे। गुरु महाराज ने उसे सिखाया कि भारत की संस्कृति है कि बिना मांगे देना है। तो ये बात गुरु महाराज बता रहे थे कथा में, कि जब मैंने कहा, तो पहले कहा कि कोई मांग नहीं रहा है इसलिए नहीं दे रहा हूँ, और जब मैंने उसको सिखाया तो अचार इतना देना चाहिए, तो वो सब्जी की तरह डालने लगा सबके अंदर। सब्जी की तरह पूरा
चमचा भर कर भर भर कर आचार खैर है। तो अब फिर से याद कराइए कहाँ से चले गए थे हम है? है? हाँ नरसिंह मेहता। विपुल प्रभु ध्यान से सुन रहे हैं। नरसिंह मेहता ने सोचा, हम रहीम जी का मैंने वो दोहा कहा, रहीमन वो नर मर चुके जो नर मांग न जाए। जो नर, जो मनुष्य दूसरों से मांगने के लिए जाता है, जो मांगता है वो मरा हुआ है, मांगने वाला मरा हुआ है। और उसके ऊपर उन्होंने एक और पॉइंट बताया, रहीमन वो नर मर चुके जो नर मांग न जाए, लेकिन उनके पहले वो मरे जिसके मुख से निकसत नाए। मांगने वाला तो मरा हुआ है ही, लेकिन जिससे मांगा गया है और कैपेसिटी होने पर भी यदि वह ना कहता है तो वो तो उससे भी बड़ा मरा हुआ है, है? अपनी योग्यता, अपनी कैपेसिटी होने पर भी जो हम नहीं देते हैं वो मरे हुए हैं। मैं नहीं कहता हूं धन दो, और एक क्लेरिफिकेशन कर दूं, मैं कुछ लेने देने के लिए नहीं आया हूं, न मेरा कोई प्रोजेक्ट है, न मेरा कोई मंदिर है, आप चिंता मत कीजिए। मैं तो जस्ट आपको शास्त्र की बात आई इसलिए कह रहा हूं, नहीं तो आप लोग कहोगे फंड फाड़ा होने वाला है यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है, चिंता मत कीजिए। यहाँ चैतन्य आनंद प्रभु ने केवल भागवत का ज्ञान देने हेतु, भक्ति देने हेतु, आप सबको प्रसाद बांटने हेतु ये आयोजन किया है। लेकिन ये एक बात है हमारी संस्कृति की, ये बात है हमारे शास्त्र की, हमेशा देना सीखे। असुरों का स्वभाव है लेना, लेकिन देवताओं का स्वभाव है देना। और याद रहे, कलयुग में और कुछ तो हो नहीं सकता, धर्म चार चरण पर खड़ा है। कलयुग में धर्म के तीन चरण कट चुके हैं, केवल एक चरण बचा है और वो है दान। दान, और दान मात्र धन का ही नहीं होता है। यदि आप कमाते हो, धन हो, तो धन से दान करो, लेकिन दान सेवा से भी हो सकता है, शरीर से हो सकता है, वाणी से हो सकता है। ये भागवत कथा बोलना ये भी एक दान है। मुझसे कोई पैसे की आशा रखे तो मैं कहां से पैसे लाऊं? लेकिन जैसे गोपियों ने कहा कि तव कथामृतम भूरी दाजना, ये कथा का दान बहुत बड़ा दान है। तो कथा का दान करे, भक्ति का दान करे, कुछ सेवा, जो भी योग्यता है, जिनकी जो जो योग्यता है उस योग्यता के अनुसार देना सीखे, देना सीखे। नरसिंह मेहता के घर पर वे 8-10 साधु आए, निवेदन किया। नरसिंह ने मन ही मन में सोचा कि तो गलत पते पर किसी ने भेज दिया, लेकिन साधु घर पर आया है, कैसे नाराज करूं। नरसिंह मेहता ने कहा कि ठीक है, लाओ आपका कागज, और उस पर कुछ फिगर लिखा, 100-150-200 रुपये उस समय बहुत ज़्यादा माने जाते थे। बोले मैं ये हुंडी लिख कर देता हूँ, आप द्वारिका में सांवरिया सरकार, अपने गुजराती में सांवरिया शेठ कहवाए, पर हम एने हिंदी में केम बोलूँ एटले एने हिंदी में सांवरिया सरकार के, जो भी आप समझिए। उन्होंने लिख कर दे दिया कि मेरी एजेंसी है द्वारिका में, और हम लोग कुरियर का आंगड़िया का काम करते हैं, हुंडी का, तो वहाँ सांवरिया सरकार से आप ये मैं सिग्नेचर करके देता हूँ, ये पैसे ले लेना। सारे साधु प्रसन्न हुए, वहाँ से निकले। जैसे ही द्वारिका पहुँचे और ढूंढने लगे सांवरिया सरकार कहाँ, तो ये कहीं कोई अता पता नहीं, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा था ही नहीं न कोई एजेंसी थी, न दुकान थी, न कुछ नहीं। तो फिर मन में प्रश्न होगा कि नरसिंह ने क्यों लिख कर दिया, वास्तव में कोई एजेंसी नहीं, कोई सांवरिया सरकार, कुछ ऐसा सांवरिया शेठ कोई था नहीं। नरसिंह को भगवान पर भरोसा था, विश्वास था, और भगवान से प्रार्थना की कि हे हरि, हे द्वारिकाधीश, संत घर पर आए हैं, नाराज होकर न जाए इसलिए लिख कर दिया है, आप उनकी और मेरी लाज रख लीजिएगा।
प्रार्थना में ताकत होती है। वहाँ ये लोग दोपहर का समय था, ढूंढ रहे थे सांवरिया सरकार सांवरिया सेठ कहाँ, लेकिन सब लोग कहते थे यहाँ ऐसी कोई दुकान नहीं, यहाँ ऐसी कोई एजेंसी नहीं। इस प्रकार से वे खोज ही रहे थे, तब तक तो पीताम्बर धारी भगवान कृष्ण द्वारिका नगरी के राजा श्री द्वारिकाधीश सांवरिया सेठ का रूप लेकर एक बहुत बड़ी बोरी कंधे पर डालकर ढूंढ रहे हैं कि नरसी के भेजे हुए संत कहाँ पर हैं, नरसी के भेजे हुए संत कहाँ पर हैं। तब तक उन्होंने सुना और दौड़कर आए और उनसे मिला कि मैं ही सांवरिया सेठ हूँ और मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ, ये लो बोरी पैसे की, ये नरसी ने जो आपको लिख कर दिया है ये बोरी। और दोनों हाथ जोड़कर कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिएगा, आपको मुझे ढूंढने में यदि देरी होगी है? कल का इतिहास कहने का अर्थ यह है कि नरसी भगवान के भजन में, परंतु भगवान नरसी के काम। इसलिए तो यहाँ एक सूत्र बन गया कि यदि हम भगवान के नाम पर तो भगवान हमारे काम पर, भगवान हमारे काम पर। ये एक बार भगवान आए नरसी मेहता के जीवन में 52 times, इसी प्रकार से 52 बार भगवान कृष्ण धरती पर उतरे और नरसी का सारा काम कर दिया। नरसी बुलाते नहीं थे लेकिन भगवान का भजन में इतने लीन रहते थे कि भगवान को मजबूर होकर आना पड़ता था, यार मेरे भक्त की लाज चली गई तो कल से मेरा कोई भजन नहीं करेगा, मेरा नाम बिगड़ जाएगा। अपने भक्तों की रक्षा करने की इतनी तत्परता होती थी, इतनी लालसा होती थी। तो छठा कारण मैं कह रहा था ना, छठा कारण इस लीला के द्वारा भगवान को दिखाना था कि भक्त को मुझे प्राप्त करने की जितनी लालसा होती है उससे कई गुना अधिक मुझे भक्त को प्राप्त करने की लालसा, ये इस लीला में हम लोग समझेंगे। तत्पश्चात सातवां कारण, अति पौरुषम एतद्वि जीवानाम इति निश्चितम। इस लीला के द्वारा भगवान कृष्ण दिखाना चाहते हैं कि जीवात्मा का सबसे बड़ा पराक्रम इस दुनिया में। अब आप बताइए कि इस दुनिया में मनुष्य का सबसे बड़ा पराक्रम क्या हो सकता है? मैं यदि आपको पूछूं, थोड़ा संवाद हो जाए, आदमी ऐसा क्या करेगा तो आप कहोगे कि नहीं, ये सबसे बड़ा पराक्रम है, ये बहुत बड़ा काम है। हम तो हमारी बुद्धि से क्या सोचेंगे, थोड़े बहुत ज्यादा डॉलर कमा लेंगे तो बड़ा पराक्रम, बड़ी डिग्री प्राप्त कर लिया तो ये पराक्रम, युद्ध जीत लिया तो ये पराक्रम, इसी को तो हम पराक्रम मानते हैं। बड़ा घर बना लिया, बड़ा ऐश्वर्य हो गया, पराक्रम। इस लीला के द्वारा भगवान कृष्ण दिखाना चाहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पराक्रम वह नहीं है कि हम बहुत धन कमा लिए, सबसे बड़ा पराक्रम यह नहीं है, है कि हम बहुत सुंदर बन जाए, सबसे बड़ा पराक्रम यह नहीं कि हम गाड़ी बंगले बना लिए। इस दुनिया में सबसे बड़ा पराक्रम है परम स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र ऐसे भगवान कृष्ण को बांध देना, यह सबसे बड़ा पराक्रम है, सबसे बड़ा। इससे बड़ा पराक्रम और क्या हो सकता है? परम स्वतंत्र, दुनिया की कोई ताकत किसी कृष्ण को बांध नहीं पाई। दुर्योधन बांधने चला था, भगवान जब गए और दुर्योधन के भोग नहीं खाए तो दुर्योधन ने आदेश दिया इस ग्वाले को बांध दो। कृष्ण ने कहा कि मूर्ख दुर्योधन, तू मुझे बांधने जा रहा है? अरे दुर्योधन, बांधा तो उसे जाता है जिसका आदि और अंत होता है, हैं? इस टेबल का आदि और अंत है तो इसे बांध सकते हैं, लेकिन जिसका न आदि है न अंत है उसे कहां से बांधोगे, कहां से अंत करोगे? जो अनंत है उसे कौन बांध सकता है? दुर्योधन जैसा पराक्रमी जिसको नहीं बांध पाया, ऐसे परम स्वतंत्र है।
ऐसे परम स्वतंत्र भगवान को बांध देना ये दुनिया में सबसे बड़ा पराक्रम है, और ये सबसे बड़ा पराक्रम एकमात्र उनकी भक्ति करने वाले ही कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि ये धोती वाले जितने भी बैठे हैं ये सबसे बड़े पराक्रमी हैं, और इसीलिए इस कौन में इन धोती वाले को प्रभु जी कहते हैं। ये सब क्लेरिफिकेशन दे दिया मैंने। प्रश्न होता ना इस्कॉन वालों को प्रभु जी क्यों कहते हैं, है प्रभु जी, प्रभु तो भगवान के लिए होता है। प्रभु माने कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम इति समर्थ है। भक्त कम नहीं है, भक्त अपनी भक्ति के प्रभाव से भगवान को भी बांध देता है। दामोदर लीला में इसका प्रमाण दिखाया गया। तो भगवान ये प्रमाण प्रस्तुत करना चाहते थे अतः साथ। और आठवां, द्वादशांगम अतिक्रम्य षड्भिः वश्यो भवेद् गुणैः। भगवान यह दिखाना चाहते थे कि मैं नवदा भक्ति से नहीं अपितु मैं मेरे छह गुणों के कारण भक्तों के बंधन में बंध जाता हूं, भक्तों के वश में हो जाता हूं। बहुत बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, इस पर थोड़ा समय चाहिए, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो सात सत्र होंगे, इन सात सत्रों में दामोदर लीला की कथा होगी। आज प्रथम दिन था, आज शुरुआत थी, इसलिए दामोदर लीला को अभी हमने प्रारंभ नहीं किया। उनकी महिमा बता रहा हूँ, दामोदर लीला क्यों, इसके मैंने सात कारण बताए, टोटल 12 कारण बताऊंगा, अन्य कारण कल, और दामोदर लीला हम शुरू करेंगे। और दामोदर लीला ये कथा के बाद रोज भागवत जी की आरती होगी, भगवान दामोदर को दीप अर्पण किया जाएगा। आज है कि नहीं है, है आज, ओके, दीप अर्पण करेंगे और बहुत सुंदर भाव से नाचते हुए कीर्तन करेंगे, और फिर प्रसाद ग्रहण करेंगे, फिर प्रस्थान करेंगे। आप सभी भक्त अपना कीमती समय निकाल कर आए, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। और आप सभी भक्तों को एक होमवर्क देता हूँ, करोगे ना, इतना पढ़ाया तो होमवर्क तो देना पड़ेगा, हैं। भगवान ने आपको दो हाथ दिए हैं, हैं, कल आपको अपने दोनों हाथ में एक एक नए आदमी को लेकर आना है, ओके। आपको कोई लिखाई पढ़ाई नहीं दे रहा हूँ, राजेंद्र प्रभु ने बजाया, मेरी पत्नी एक तो बाकी थी, वो आ जाएगी, और एक तो कहीं ना कहीं से पकड़ के लाऊंगा। तो दो भक्तों को लाना है, ज़्यादा को मत लाइए, नहीं तो यहाँ हाउसफुल हो जाएगा। केवल दो को लेकर आइए, और मैं पूछूंगा कि तुम्हारे दो कहाँ बैठे हैं, और यदि वो दो नहीं दिखाई दिए तो फिर पनिशमेंट होगी। मैं बहुत स्ट्रिक्ट वक्ता हूँ, तो मैं पनिशमेंट दूंगा, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग दो भक्तों को लेकर आइए, नहीं भी लाएं, कम भी लोग हो गए, कथा तो होगी, लेकिन इतना सुंदर आयोजन है, इतना सुंदर माहौल है, ये लाभ सबको मिले, ये ध्यान। ये जो आपके जीवन में हैं, जिन जिन लोगों ने आपको मजबूर किया ना, मेरी पार्टी में आना, मेरे फंक्शन में आना, मेरे भक्त मेरे घर पर आना, आज मौका आ गया है उन सब का बदला लेने का, कि मैं तेरे घर पर तेरे इनविटेशन में इतनी बार आया, अब मैं तुझे भागवत का इनविटेशन देता हूँ, तुझे आना ही पड़ेगा। ऐसे करके लेकर आइए, ऐसे करके लेकर आइए, और मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप केवल उनको मेरे सामने बिठा दीजिए, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। दूसरी बार आपको उनको नहीं बुलाना है, केवल एक बार मेरे सामने लेकर आओ, ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद। Krishna, especially during this Damodar
So some practical things. Now we will have aarti. And for the aarti, we have two aarti trays. One for the prabhu, the gentlemen, one for the ladies. Everyone can take part in the aarti. And also we have the Damodar bhajan, which we will chant, for which we have diyas that everyone can take and offer to the deities here and to Shrimad Bhagwati, which is in this beautiful case. And the vyavastha is there to keep the candles in the same place. So, and of course, we'll have nice kirtan, and as soon as everything is ready, we will have prasad. If anyone would like to help with sponsor any part of the katha, like prasad, or any of the other arrangements, please come speak to me or my friend Ketan Prabhu, who's standing over here. Raise your hand. And we'll be happy to engage you in some way in service of the Bhagavad Katha. Hare Krishna. Okay. आरति अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कान की महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय कल लीला रति रस रस निदान आरति अति पावन पुराण की कलिमल मत नित्रिताप निवारिणी जन्म मृत्यु मय भव भय सेवत सतत सकल सुख कारिणी सुमहो शदि हरि चरित गान की आरति अति पावन पुराण विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरति अति पावन पुराण परमहंस मुनि मन उल्लासिनी
रसिक हृदय रस रास विलासिनी भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथाय किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपाद 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 जय जय नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्रील प्रभुपाद की।